तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला बैंगलोर के नए आदियोगी तक आपको कैसे पहुंचना है लोकल ट्रांसपोर्ट के मदद से, और वहाँ पे खाने पीने के और रहने के क्या ऑप्शन है, इस सब चीजों को मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने ट्राई करूंगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो चालू करते हैं। तो ईशा फाउंडेशन का नजदीकी स्टेशन है बैंगलोर, तो आगे मैं ईशा फाउंडेशन बोलूंगा क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को ईशा फाउंडेशन के नाम से थोड़ा फेमस है। अगर आपको किसी को पूछना है तो ईशा फाउंडेशन पूछना तो आसान रहेगा। बैंगलोर के लिए इंडिया के हर एक कोने से ट्रेन आती है, तो बहुत ही आसानी से आप बैंगलोर पहुंच सकते हो। तो मैं कर्नाटक में ही था, मुर्डेश्वर में, मैंने वहीं से ट्रेन ले लिया बैंगलोर के लिए। अगर आप मुंबई से आना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको उद्यान एक्सप्रेस करके है, जो कि आपको सुबह 6 बजे बैंगलोर पहुंचा देती है। अगर आपको दर्शन वर्शन करके वापस उसी दिन अगर रिटर्न जाना है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा उद्यान एक्सप्रेस। और बसेस भी आपको हर एक स्टेट से मिल जाएगी बैंगलोर के लिए, तो बस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो हम पहुंच गए KSR बैंगलोर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से ईशा फाउंडेशन का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ का गवर्नमेंट बस, जो कि बहुत ही सस्ते में आपको पहुंचाता है। तो हमें सबसे पहला पहुंचना होगा चिकबड़ापुर, और वहाँ से हमें बस चेंज करना होगा ईशा फाउंडेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकलेंगे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचेंगे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जैसे आप बाहर निकलोगे, वहाँ से बस स्टैंड बहुत नियर बाय में, मतलब मैजेस्टिक बस स्टैंड पे हम लोग को पहुंचना है, एकदम 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ से आप जैसे बाहर निकलोगे तो यहाँ से हम लोग को आना है, और इस रास्ते से सीधा जाना है। तो यहाँ की ऑटो रहती है ग्रीन एंड येल्लो में, तो अभी हम लोग इस रास्ते से आए और यहाँ से हम लोग मारने वाले से राइट, और देख सकते हो वहाँ पे लेफ्ट साइड में बस स्टैंड है वहाँ पे। तो हम लोग सामने का जो स्काई वॉक है उसे यूज करके हम लोग वहाँ से लेफ्ट मारेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे आके स्काई वॉक ले लिया, तो स्काई वॉक से नीचे उतरते टाइम आपको बता देता हूँ कि ये राइट साइड में आपको ये बस स्टैंड है जहाँ पे हम लोग को जाना है। बहुत बड़ा बस स्टैंड है, और हम लोग की बस शायद से यही पे लगती है चिकबड़ापुर के लिए। हम लोग को चिकबड़ापुर के लिए बस लेना है, तो यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता है, सामने दिख रहा है आपको। तो बराबर था, हम लोग स्काई वॉक से उतरे और यहाँ पे हमारी बस लगती है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाइज रहेगा, तो हम लोग का A1 प्लेटफॉर्म नंबर है और चिकबड़ापुर पहले आपको दिखता रहेगा ऊपर। तो हम लोग को वो बस लेना है जो हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको ये और रास्ते से आ रहे तो आपको यहाँ पे टर्मिनल नंबर 2A में आना है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर A1 में आना है, क्योंकि ये बस स्टैंड बहुत बड़ा है, इसलिए सिस्टमेटिकली यहाँ पे दिया है। और यहाँ के आपके कुछ बसेस में आपको खाली कन्नड़ा में लिखा हुआ देखने मिलेगा, तो हमें जाना है चिकबड़ापुर। तो यहाँ पे चिकबड़ापुर कन्नड़ा में लिखा है, तो आपको नहीं समझ में आता रहेगा तो जो मैं स्क्रीन पे जो नाम लिख के दिखा रहा हूँ चिकबड़ापुर, आपको किसी से भी पूछ लेना है चिकबड़ापुर के लिए बस कहाँ से मिलती करके, तो आपको कोई भी बता देगा जो कंडक्टर बाहर खड़े रहते। और मोस्ट ऑफली वहाँ पे चिकबड़ापुर करके आपको चिल्लाते रहते जो भी एरिया में जो बसेस जाती है, चिकबड़ापुर करके वहाँ पे। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग साउथ में आने से कतराते हैं, इसलिए है कि यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा इशू हो सकता है इसलिए। तो बैंगलोर में आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे बंदों को यहाँ पे हिंदी आती है, तो बहुत ही आसानी से आप बैंगलोर घूम सकते हो। चिकबड़ापुर के लिए यहाँ से हर 15 मिनट में बसेस जाती है। तो हमने ले लिया चिकबड़ापुर के लिए बस। बस का टिकट है 70 रुपीज, तो ये 2 घंटे का सफर होने वाला हम लोग का चिकबड़ापुर के लिए। तो रास्ते में आप बैंगलोर का नजारा देखते हुए जा सकते हो, और जाते वक्त आपको लेफ्ट साइड में नंदी हिल्स देखने मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, जैसे मुंबई का हमारा लोनावाला, वैसे ये बैंगलोर का नंदी हिल्स है जहाँ पे आपको क्लाउड देखने मिलता है। बहुत ही इंस्टाग्राम पे वायरल रील आप देखे होंगे जो क्लाउड नीचे जाते हैं, ये बैंगलोर का इस नंदी हिल्स का ही है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे चिकबड़ापुर बस टर्मिनल्स पे, मतलब डेपो ही बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे उतरने बाद हम लोग को पूछना है यहाँ पे ईशा फाउंडेशन के लिए बस कहाँ से जाती करके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ईशा फाउंडेशन के लिए बस लगती है। चिकबड़ापुर से ईशा फाउंडेशन के एक कुछ बस के टाइमिंग्स है, और बस का टिकट होगा सिर्फ 10 रुपये ईशा फाउंडेशन तक के। अगर आपको यहाँ से बस नहीं मिल रहा, अगर आपको पर्सनल ऑटो करके जाना है यहाँ से, तो पर्सनल ऑटो करके भी जा सकते हो, थोड़ा महंगा है, मतलब वन साइड का आपको 300 रुपीज़ है। अगर आपको रिटर्न आना है तो 500 रुपये में रिटर्न भी लाते हैं ऑटो वाले, मैंने पूछा था। तो मेरे बस को आने को 1 घंटा था, तो मैं चेक करने चला गया गाँव के अंदर कि वहाँ से शेयरिंग ऑटो वगैरह मिलती है कि नहीं करके। तो हमें बस स्टॉप के अपोजिट में आना है, इस रोड पे, इस रोड पे आके एंड में जाके हमें राइट मारना है, और ये रोड हमारा ईशा फाउंडेशन के लिए जाता है। तो मैंने थोड़ा गांव वाले लोग से इंक्वायरी किया, तो उनसे पूछा कि यहाँ पे शेयरिंग ऑटो जाती है क्या ईशा फाउंडेशन के लिए। तो गांव वाले लोग ने बोला शेयरिंग ऑटो तो जाती है, पर आपको ईशा फाउंडेशन तक नहीं जाती है, आधे तक जाती है, क्योंकि ईशा फाउंडेशन आता है थोड़ा जंगल वाला एरिया अंदर है, तो अंदर कोई ऑटो वगैरह जाती नहीं है शेयरिंग वाली, तो आपको पर्सनल करके जाना पड़ सकता है। पर ईशा फाउंडेशन के बनने की वजह से यहाँ पे थोड़े टूरिस्ट बढ़ गए। इस रोड पे जाने वाला हर दूसरा व्यक्ति ईशा फाउंडेशन के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर के एकदम नजदीक होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आसपास के आने लग गए और बाहर के आने लग गए। तो हर दूसरी गाड़ी यहाँ पे ईशा फाउंडेशन के लिए जाती है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे लिफ्ट मांग के आप बहुत ही आसानी से वापस जा सकते हो, और क्या आधे रास्ते तक तो आ गया हूँ मैं अभी, तो अभी लिफ्ट मांग रहा हूँ, देखते कोई लिफ्ट देता है कि नहीं मुझे। और अगर आपको लिफ्ट नहीं मिलती है तो बस आपको इसी रूट से जाती है, तो बस आपको जरूर मिल जाएगी। और 15-20 मिनट खड़े रहने के बाद मुझे एक भाई ने लिफ्ट दिया, कादिर भाई करके, तो इनके गाड़ी से मैं जा रहा हूँ अभी ईशा फाउंडेशन। भाई लोग इधर थोड़ा रुकाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा लेक टाइप है, देखने रुके थे,
चलो ये लोग भी शौकीन है। और बस से भी अच्छा व्यू मुझे अभी बाइक से मिला, क्योंकि मुझे 360 व्यू देखने मिल रहा है यहाँ पे, तो बहुत मजा आ रहा है बाइक से जाने के लिए। चिकबल्लापुर से ईशा फाउंडेशन का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और इस सीनिक व्यू का मजा लेते हुए चलते हैं। और ईशा फाउंडेशन के जैसे आप नजदीक पहुंचने लगोगे तो आपको दूर से ही आपको भगवान शिव की मूर्ति देखने मिल जाती है, और बहुत ही यूज है, दोनों तरफ इसके पहाड़ी पहाड़ उसके बीच में आपको ये मूर्ति देखने मिलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको जैसे मतलब आप दूर से देखने लगोगे तो। ये हमारा बाइक पार्किंग, तो यहाँ पे बाइक पार्किंग होती है, और ये राइट में आपको कार पार्किंग, और उसके पीछे आपको बस पार्किंग भी है, तो यहाँ पार्किंग वर्किंग का कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे आप एंटर करोगे सबसे पहले आपको देखने मिलेगा यहाँ पे नाग भगवान की मूर्ति, बीचों बीच एक 9-10 फीट की मूर्ति है। तो आसपास में जो आपको ये जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे बैठ के आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हो, एक्चुअली में ध्यान करने के लिए जगह है। जय जय करुणा भी श्री महादेव शम। तो इस जगह का इनोग्रेशन बस हाल ही में हुआ है, मतलब मैं जिस दिन गया था उसके 2-3 दिन पहले ही इसका इनोग्रेशन हुआ है सिर्फ। और पहला आदियोगी स्टैचू आपको देखने मिलता है कोयम्बटूर में, जो कि आता है तमिलनाडु में, और इसी के जैसा एकदम सेम टू सेम यहाँ पे बैंगलोर में बनाया है, और ये आता है कर्नाटक में, और इसे भी ईशा फाउंडेशन ने ही बनाया। आदियोगी का मतलब क्या है? इस दुनिया में सबसे पहले योग को लाने वाले मतलब हमारे भगवान शिव है, आदियोगी, दुनिया के सबसे पहले योगी। ये मूर्ति 112 फीट की है, और जो कोयम्बटूर में मूर्ति है वो भी 112 फीट की है, दोनों मूर्ति एकदम सेम टू सेम है। ये 112 फीट ये दर्शाते हैं कि 112 तरीके हैं मोक्ष पाने के। तो जैसे आप मूर्ति के नजदीक पहुंचने लगोगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा मंदिर देखने मिलेगा जहाँ पे शिवलिंग है, तो उसके आसपास में बैठ के आप ध्यान वगैरह कर सकते हो। देखा जाए तो ये जगह एक योगा सेंटर है, तो यहाँ पे आके अगर आपको योगा सीखना है तो यहाँ पे आके सीख भी सकते हो, यहाँ पे आके कर भी सकते हो। तो इनका कोर्सेस वगैरह भी है, तो इनका वेबसाइट है, तो इनका वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, देखा जाए तो और 2-3 महीना लग सकता है यहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने के लिए, रोड वगैरह बनने के लिए, तो उस बीच में भी आप आ सकते हो। अभी तो पब्लिक के लिए एंट्री चालू है, 15 तारीख से ही चालू हो गया है पब्लिक के लिए यहाँ पे एंट्री। तो अभी घर जाने का टाइम हो चुका है, और बाहर निकलते वक्त हमें यहाँ पे मिला प्रसाद। जैसे आपका दर्शन खत्म हो जाएगा, आपको अगर कुछ खाने का रहेगा तो यहाँ पे एक काउंटर लगेगा खाने के लिए, तो यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, लोग यहाँ पे लेके खा रहे। अभी फिलहाल अभी किसी का काम चल रहा था, प्रॉपर है नहीं, आगे जाके यहाँ पे प्रॉपर बन जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टे के बारे में। देखा जाए तो यहाँ पे तो ये जंगल वाला एरिया है, तो यहाँ पे तो कोई स्टे का अभी ऑप्शन है नहीं, और एकदम ही नया है, तो यहाँ पे आसपास में तो गांव है, तो गांव वाले लोग को यहाँ पे टूरिज्म के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आगे जब जाके डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे होम स्टे वगैरह तो चालू हो जाएगा, और यहाँ से आपको चिकबल्लापुर जाना पड़ेगा, मतलब अगर आपको स्टे भी करना है तो। और वहाँ पे भी इतना होटल नहीं है फिलहाल, तो जितने भी क्राउड आ रहे उस हिसाब से तो बेस्ट आपको रहेगा आप बैंगलोर में जाके आप बुक करें आपका रूम वगैरह, तो वहाँ पे आपको इजीली रूम वगैरह मिल जाएगा, 500 से लेकर 1,500 के बीच में आपको इजीली रूम मिल जाएगा बैंगलोर में। तो अभी निकलने का टाइम हो चुका है यहाँ से, अगर आपको यहाँ से जाना है तो मुझे लगता है वीकेंड के दिन खाली यहाँ से बस होता है, बोर्ड में तो ऐसा लिखा है, तो मैंने बस तो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट पूछा नहीं, तो मुझे लगता है वहाँ पे जंक्शन तक बस आती है, बाकी वीकडे में अगर आप आते हो तो वहाँ से आपको ऑटो मार के आना पड़ता है। जंक्शन मतलब जो मेन गेट था जो एंटर किए थे हम लोग, वहाँ से वापस जाते हुए आपको गेट के पास से चिकबल्लापुर के लिए बस मिली जाएगी, और चिकबल्लापुर जाके हमें बैंगलोर के लिए बस लेना है सेम वापस। कादिर भाई ने हम लोग को ला के यहाँ पे छोड़ा सामने डेपो, वापस बहुत हेल्प किया कादिर भाई ने, थैंक यू कादिर भाई, सीगुना मिले, थैंक्स। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बैंगलोर रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से हम लोग लेने वाले मुंबई के लिए ट्रेन, तो 4 बजे की ट्रेन है कोयम्बटूर LTT एक्सप्रेस जो मुंबई जाती है। तो फिलहाल तो अभी मुझे जनरल का टिकट ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अचानक से बना हुआ मेरा प्लान है, तो रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आओगे तो आप रिजर्वेशन करा के आना ट्रेन का, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में बहुत गर्दी होता है, बैठने जगह नहीं मिलता है। और मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।